रिव्यूज सच जरूरी है। यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 21 गौवंशों को दिया जीवन दान। यह घटना नागपुर शहर से मोमिनपुरा परिसर से सामने आई है। तहसील पुलिस थाना अंतर्गत बुधवार शाम फिर एक बार मोमिनपुरा और अंसर नगर परिसर में तीन जगह पर छापा मारकर पुलिस ने 21 गौवंशों को जीवन दान दिया है। इन सभी जानवरों को करल करने के इरादे से बढ़ रही क्रूरता के साथ बांध कर रखा गया था। पुलिस ने गोपनीय जानकारी मिलने के बाद छापा मारकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पुलिस ने दिन पहले भी बड़ी मात्रा में अवैध गोवंश मांस सहित 5 गोवंश को रेस्क्यू किया था। इसमें 3 आरोपी भी पुलिस के हाथ लगे थे। बुधवार को तहसील पुलिस को फिर एक बार गोपनीय जानकारी मिली कि मोमिनपुरा और अंसार नगर परिसर में बड़ी मात्रा में कत्ल करने के इरादे से गौवंश को लाया गया है। इसी सूचना पर पुलिस ने 3 जगह पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें 21 गौवंशों को रेस्क्यू किया है। इन सभी जानवरों को बड़ी ही क्रूरता से साथ बांधकर रखा गया था। पुलिस ने सभी जानवरों को छुड़वाकर गौरक्षण केंद्र भेजा है। इस कार्रवाई में करीब 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में इकबाल अंसारी, अशफाक अंसारी, अंसर नगर निवासी यहाँ से 4 गौवंश जानवर मिले हैं। अन्य आरोपियों में साजिद कुरेशी, रिजू कुरेशी, आतिफ कुरेशी, नदीम कुरेशी, मस्तक भाई अंसारी, पहलवान कुरेशी, रसिद कुरेशी के पास से करीब 14 गौवंश जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। पकड़े गए जानवरों की कुल कीमत 26,000 बताई जा रही है। इन सभी जानवरों को रेस्क्यू कर गौरक्षण केंद्र भेजा गया है। नाबालिग युवती के साथ किया गैंगरेप। यह घटना झारखंड से सामने आई है। झारखंड में लगातार नाबालिग बेटियों के साथ रेप और दरिद्री के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी बीच राजधानी रांची में मंगलवार की रात एक नाबालिग युवती के साथ 2 आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राजधानी रांची, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती होती है, PCR वैन से देर रात तक पर पेट्रोलिंग के दावे किए जाते हैं, आखिर कैसे एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया गया। दरअसल यूपी के रहने वाली नाबालिग गैंगरेप पीड़िता अपने परिजनों से किसी बात को लेकर झगड़ा कर अनगढ़ा क्षेत्र से रात में अपनी बहन जो की रांची के पिस्का मोड़ में रहती थी, वहां जाने के लिए अकेले ही पैदल निकली थी। इसी बीच लोअर बाजार थाना क्षेत्र के काटा टोली के पास वो रास्ता भटक गई। नाबालिग के पास उसकी बड़ी बहन का फोन नंबर था, मगर उसके पास मोबाइल नहीं था, जिस कारण वह कई लोगों से मोबाइल से अपनी बहन से बात करवाने का बात कर रही थी। चोरों ने उड़ाया 2.90 लाख का माल। सदर पुलिस थाने के साई कृपा टावर नेल्सन चौक पर परिसर में एक बंद घर में दिन दहाड़े सेंध लगाकर अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषणों सहित करीब 29 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लाट नंबर 402 साई कृपा टावर नेल्सन चौक निवासी फरियादी दरिंदर कौर भूपेंद्र सिंह बसित पेशे की शिक्षिका है। बुधवार करीब 8:30 बजे फरियादी अपने घर को ताला लगाकर स्कूल गई हुई थी। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बेडरूम में रखी लोहे की अलमारी से सोने व चांदी के आभूषण सहित करीब 29 लाख रुपयों के माल को चुरा लिया। फरियादी जब शाम 3:30 बजे अपने घर पहुंची, तब उन्हें इस चोरी की बात का पता चला और इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 454-380 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV एप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।